डीआरडीओ सेप्टम 10 व्हीकल ऑपरेटर में सिर्फ स्कोर क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रहेंगी। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ टीयर 1 एग्जाम के लिए आपको बुलाया गया है, 1 घंटे का पेपर है, 75 मार्क्स का रहेगा। कोशिश करो आप स्कोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस पोस्ट के लिए भरा भी होगा, जो सेफ स्कोर लगातार देख भी रहे हैं। तो दिमाग में एक चीज़ रख लो कि यहाँ पर जैसे ही आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेज है, क्योंकि व्हीकल ऑपरेटर का आपका वो है, तो व्हीकल ऑपरेटर में आपका अलग से आपका जो टेस्ट है वो आपका कहीं ना कहीं आप सभी का रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सेलेक्ट किए जाएंगे, तो टीयर 2 के लिए लगभग 1200 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। क्योंकि जैसा आपका मेंशन है कि 1:8 में, 1:8 में कभी सेलेक्ट नहीं होते, हमेशा ज़्यादा ही किए जाते हैं। तो लगभग 1200 के ऊपर कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ होगा, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसमें जो आपका स्कोर है वो आपका कम जाने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। ठीक है, क्योंकि व्हीकल ऑपरेटर, हालांकि पोस्ट अगर आप देखोगे लेवल 2 की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट के इक्वल पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको व्हीकल ऑपरेट करनी नहीं आती है, जो नेक्स्ट स्टेज जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने नहीं भरा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी क्या जाने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 46 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है, 45-46 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है, तो आप का इसको जो सेफ स्कोर में आप, और हो सकता है कि इसी पर ही आपके जो फाइनल कट ऑफ है वो भी आपकी रहे। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो आपकी 43 के करीब आपकी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 42 आपका होना चाहिए के ऊपर मार्क्स होना चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 38 के ऊपर होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी के लिए आपके जो है वो आपके 34 के ऊपर जो है वो आप सभी के रहने चाहिए। क्योंकि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फॉर्म जो है वो आपके काफ़ी कम भरे गए हैं, और इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिससे इन्होंने फॉर्म जो है वो सभी स्टूडेंट ने बाकी अदर पोस्ट के कंपैरिजन में कम भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा मैंने स्कोर बताया हुआ है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका इसी कट ऑफ के ऊपर आप सभी का हो जाए। बाकी जैसा जो अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ